आज वफाकी वजारत इत्तला'आत व नशरियात के प्रोग्राम पाकिस्तान पीस कलेक्टिव की आगाही वैन जो है वो कराची में मौजूद है और कराची में इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में मौजूद है जो पाकिस्तान का पहला इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है कि जहां जो खसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद हैं वो अपनी जिंदगियां आज़ादाना तौर पर गुजारते हैं और तमाम तर शोबा जात में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम यहाँ पे जो मौजूद है इस वैन का मकसद है कि लोगों में COVID-19 कोरोना से बचाव की इत्यादि तदाबीर की आगाही पैदा करना और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी खवातीन हैं उनका अमन में क्या किरदार है, खानदान के तौर पर बच्चों की तरबियत में अमन साजी में उनका क्या किरदार है और इसी तरह पाकिस्तानी खवातीन जो है वो अमन की सफीर हैं और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बैनुल मजाहिब हमांगी को कैसे फ़रोग दिया जाए, रवादारी को कैसे फ़रोग दिया जाए और पाकिस्तान की तरक्की, सालमियत, इस्तेकाम और अमन के लिए हर सोसाइटी के सेगमेंट को साथ लेके चला जाए। तो ये आज हमारे साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के कायदीन मौजूद हैं इन्होंने आज यादा किया कि पाकिस्तान को पुरअमन बनाने में अपनी तमाम तरह सलाहियतों को बुरे कार लाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आई एम जावेद रईस, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर और डिसेबल्ड पीपल इंटरनेशनल का पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी। मैं आज अपने हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की तरफ से आज मैं वजारत इत्तला'आत पाकिस्तान की जो अवेयरनेस है हमारे सेंटर में उनका मैं तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने जो ये पाकिस्तान में जो ये अवेयरनेस मुहिम चल रही है तमाम तबकात के लोगों को शामिल रखा, उसमें खासतौर पर हम पर्सन विद डिसेबल को भी शामिल किया और हमारे भी आज व्यूज़ लेने के लिए इस सेंटर में आए। तो मैं पूरी जो है अपनी कम्युनिटी की तरफ से जो है ना तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। अमन की अमीन पाक सरजमीन, पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लव पाकिस्तान, आई लव यू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा अली आज अपने इदारे में डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में पीस कलेक्टिव की आगाही वैन का खुश आमदीद कहती हूँ और हम उनकी खदमात को सराहते हुए ये पैगाम अपनी खवातीन तक पहुँचाना चाहेंगे कि जिस तरह हमारे इदारे की खवातीन मजदूर खवातीन के लिए काम मर्दों के शाना बशाना कर रही हैं, पाकिस्तान की तरक्की में हम सब आपके साथ हैं और हम अपनी खवातीन को चाहेंगे कि वो आगे बढ़े और मर्दों के शाना बशाना अपनी एक पहचान बनाए क्योंकि मुस्तहकम पाकिस्तान की पहचान दुख्तरान पाकिस्तान। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइना अली मदद, हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर से डिसेबल एक्टिविस्ट, जहां पर पाकिस्तान की तरक्की में आम खवातीन अपना किरदार अंजाम दे रही हैं वहीं पर डिसेबल खवातीन भी किसी से पीछे नहीं, वो भी अपने खिदमात को अंजाम दे रही हैं। पुरअमन पाकिस्तान की पहचान दुख्तरान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान इब्राहिम है, मैं हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, लिहाजा आपको ये पैगाम दिया जाता है कि महफूज रहिए, पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए, अपनी फैमिली की हिफाजत कीजिए और फासले पे रहिए और पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत बनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऑगस्टिन है, मैं आशमारी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में काम करता हूं और डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का मैं गुडविल एम्बेसडर हूं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मुकाम है कि पाकिस्तान की वजारत इत्तला'आत और नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये वैन आई है जिसका मकसद ये है कि हमें पाकिस्तान में सबको मिल के रहना है और बैनुल मजाहिब यगानगीत का मुजाहरा करना है, अपने मुल्क को इस काबिल बनाना है कि हम सब यहाँ मिलके रह सके। हमारा एक छोटा सा जर्रा भी एक बहुत बड़ा पहाड़ बन सकता है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आइए वजारत इत्तला'आत व नशरियात के इस अच्छे अमल पे अपना हिस्सा बनाए और पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए मदद करें। मेरा पैगाम सबके नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है, पूरा मन पाकिस्तान की पहचान दुख्तरान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजीब रहमान है, हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर से हूँ मैं। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, हम सब पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान खवातीन की शराकत उनकी बाख्तियार होने के साथ ही तरक्की कर सकता है और कोरोना से बचने के लिए हम सबको एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ेगी और हम सबको महदूद रहना पड़ेगा, महफूज रहना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।